हेलो दोस्तों, ये वाला वीडियो MP5 पैनल है। इसके साथ रिमोट भी मिलता है, तो ये वाला खोल के दिखाता है हम। ये वाला इसका रिमोट है, इसका रिमोट का बैटरी है ये वाला। थ्री वोल्ट का बैटरी है ये वाला। इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस। दोस्तों ये वाला दो केबल दिया है, दो ठो केबल दिया है। दोस्तों ये वाला वीडियो MP5 पैनल है। इससे आप फुल HD वीडियो CRT टीवी में देख सकते हो। इसमें FM भी है, मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ भी है, USB से आप पेन ड्राइव से वीडियो चला सकते हो। और इसका ये डिस्प्ले है, और चार बटन दिया है, वॉल्यूम माइनस का, वॉल्यूम प्लस और सेटअप का। ठीक है, ये जो कार्ड है, जो बॉक्स टीवी है, बक्सा टीवी, उसमें ये इससे चल जाएगा। 1080 तक इसमें सपोर्ट करता है, और जो पेन ड्राइव लगेगा 32 GB तक सपोर्ट करेगा ये वाला कार्ड। ठीक है, और ये चार कनेक्टर दिया है। ये वाला FM का जो एंटीना का जो कनेक्शन है, इधर पर ही होगा, इधर पे होगा। ठीक है, इसमें सब कनेक्शन लिखा हुआ है। FM एंटीना, ये FM एंटीना का कनेक्शन होगा इसमें। ये वाला जो लाइन है, ये वाला वीडियो का लाइन है, CBCVBS ये वाला वीडियो का लाइन है, और ये वाला ग्राउंड है। ठीक है, वीडियो का, और ये पावर के लिए है। ये वाला जो कनेक्टर है, ये वाला पावर के लिए है। 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक इसमें देने सकता है, और ये वाला ग्राउंड है, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आप देने सकते हो। लेकिन हम रेकमेंड करेंगे इसमें 5 वोल्ट से आप ऑन कीजिए, तो ये कार्ड सही से काम करेगा। और 12 वोल्ट देने के लिए इधर ये जो 3 पॉइंट है, इसमें 7805 लगाने पड़ेगा IC, 7805 IC लगाने पड़ेगा इसमें। ये वाला जो IC 7805, ये वाला IC ऐसा करके लगाने पड़ेगा, इस पॉइंट में ऐसा करके। ठीक है, ऐसे लगाने से नहीं होगा, ऐसा करके लगाने पड़ेगा।
तब जाके ये वाला कार्ड काम करेगा, नहीं तो आज ऐसा करके लगाने से ये वाला खराब हो जाएगा। और आईसी लगाने के टाइम में अगर आप 12 वोल्ट से अगर ये बनना चाहते हो तो ये वाला जो 0.0 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला इधर से रिमूव करके इस पॉइंट में लगाने पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें रिमूव करके इसमें लगाने पड़ेगा। और इसमें 7805 का जो आईसी है ऐसे लगाने पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाला पहले रिमूव करने पड़ेगा, और ये वाला अगर रिमूव नहीं करोगे ऐसा 12 वोल्ट दे दोगे तो इधर से ये वाला 12 वोल्ट ये वाला जो पैनल है खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं यही रेकमेंड करूंगा जे आप 5 वोल्ट से ये वाला कार्ड ऑन करो तो अच्छा होगा इस पैनल के लिए, वोल्ट से ऑन करो तो अच्छा होगा। ये वाला ऑडियो सेक्शन है, ये जो पॉइंट है ऑडियो के लिए है। ये वाला राइट आउट है, ये वाला ग्राउंड है, ये वाला लेफ्ट आउटपुट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला म्यूट का पॉइंट है। और ये जो ऑक्स केबल का है आप पीछे से भी इन कर सकते हो ऑडियो। ये राइट का इन है, ये वाला ग्राउंड है, और ये लेफ्ट का इन है, ठीक है। ये वाला ऑक्स और ये वाला जो लाइन है ये सेम लाइन है, ठीक है। और इसमें ये वाला एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, एक दो तीन, तीन कैपेसिटर मिसिंग है इसमें, ये बोर्ड में नहीं दिया है तो अलग से लगाने पड़ेगा ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में दे देता है लेकिन इस बोर्ड में नहीं दिया है ये तीन कैपेसिटर। ये तीन कैपेसिटर लगाने पड़ेगा, 16 वोल्ट 220 यूएफ का कैपेसिटर आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास तो 16 वोल्ट नहीं है तो मैं 25 वोल्ट है देख लो, 25 वोल्ट 220 यूएफ का है कैपेसिटर। ये वाला मैं कनेक्शन करेगा इधर पर, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। ये कैपेसिटर अगर नहीं लगाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्रॉब्लम होगा, ये कार सही से सही तरीका से नहीं चलेगा। तो इसलिए कैपेसिटर कोनो कोनो बोर्ड में कैपेसिटर लगा हुआ मिलता है, लेकिन इस बोर्ड में मैं खरीदा हूँ तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ नहीं था, तो ये वाला कैपेसिटर लगाने पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो प्लस का है, ये प्लस का और ये माइनस का पॉइंट, प्लस का जो सिंबल है ये दिया हुआ है, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, हर कैपेसिटर के पॉइंट में दिया हुआ है प्लस का माइनस का, देखो। तो कैपेसिटर का जो ये वाला जो है, ये वाला माइनस का साइड है, ठीक है। ये वाला जो है माइनस का साइड है, ये वाला छोटा जो लेग है ये वाला माइनस का है, जो बड़ा वाला लेग है ये प्लस का है, ठीक है। हर कैपेसिटर में ऐसे होता है, प्लस माइनस देख के लगाने पड़ेगा। दोस्तों ये वाला जो पैनल है इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ये वाला में वीडियो भी चलेगा, MP3 भी चलेगा, और ये वाला में सिर्फ MP3 चलेगा, ये सिर्फ म्यूजिक के लिए है, ठीक है। ये वाला जो बोर्ड है इसका, इसका साइज और इसका साइज में अंतर है, और
और इसका जो रिमोट है, इसका जो रिमोट है ये वाला है, और इसका जो रिमोट है ये वाला है। रिमोट के साइज भी अलग है, रिमोट अच्छा है ये वाला, वीडियो पैनल का रिमोट अच्छा है, बहुत हार्डी है। और इसमें जो बैटरी का जो साइज है ये वाला सेम साइज है, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहोगे तो ये वाला पैनल, तो इस ये वाला पैनल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दोस्तों ये वाला कैपेसिटर लगाएगा, हम देख के करने पड़ेगा। ये वाला बड़ा जो लेग है ये वाला प्लस है, तो प्लस, ये वाला छोटा माइनस, ठीक है। एक कैपेसिटर कनेक्शन करके मैं दिखा दे रहा है, दोस्तों ये वाला 3 कैपेसिटर था, कनेक्शन कर लिया है मैंने। ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तीनों कैपेसिटर मैंने कनेक्शन कर लिया है। अगर आपके बोर्ड में ऐसे कैपेसिटर नहीं रहेगा तो तीनों कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है, पैनल का वोल्टेज। और अगला वीडियो में मैं ये वाला पैनल को एक प्लास्टिक बोर्ड में असेंबल करेगा, वो वाला वीडियो हम बाद में अपलोड करेगा कुछ दिन बाद। धन्यवाद दोस्तों।